Welcome, my dear students. After your unit test first, we are again going to start our topic. Before unit test, we have started our chapter heat and its effect. Unit test से पहले हम लोगों ने हमारा ये chapter start कर दिया था heat and its effect. इसमें हमने heat के बारे में जाना कि heat क्या होती है, temperature का घटना बढ़ना जो है, temperature के unit के बारे में जाना. हमने थर्मामीटर के बारे में भी जाना, जो डिवाइस होती है जो हीट को या टेम्परेचर को मेजर करती है. टेम्परेचर थर्मामीटर के टाइप्स के बारे में जाना. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ हीट, है ना. इसमें जो मेन टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का प्रभाव. इफेक्ट ऑफ हीट यानी हीट के क्या इफेक्ट होते हैं. सो यू नो माई डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए कि हीट क्या क्या इफेक्ट करती है. वैसे तो प्रैक्टिकली सभी को पता है कि हीट क्या करती है, है ना. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपनों को कैसा फील होता है, जब टेम्परेचर कम होता है यानी थोड़ा कोल्ड रहता है तो अपनों को कैसा फील होता है. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. हीट जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी और बहुत सारी जगह पर हीट अपना प्रभाव शो करती है, हमारा इफेक्ट दिखाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि आप एक बर्तन में पानी लीजिए एंड पोर इट विथ वाटर, और इसमें कुछ पानी डालिए, उसमें कुछ रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्ची सब्जी डाल दें और उसको ऊपर से ढक दें. अब उसको किसी गैस या स्टोव पे उसको अच्छे से गर्म करके देखिए. गर्म करेंगे तो क्या देखेंगे अपन, कि उसमें पानी उबलने लग जाता है. इसका मतलब हीट का पहला प्रभाव तो ये दिख रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो है लिक्विड वगैरह या फिर कोई भी चीज़, उसका टेम्परेचर बढ़ने पर वो उसकी स्टेट चेंज होती है. यानी पहले पानी चुपचाप था, यानी बिल्कुल रखा हुआ था, वो उबल रहा है, मतलब उस कहीं ना कहीं उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ रहा है. यानी कि जो वेपर बनती है ना, तो वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड से वो गैस में चेंज हो रहा है. इसी तरह जब अपन देखते हैं कि वो जो सब्जी है उसमें अपनों ने डाली थी, तो वो सब्जी भी कहीं ना कहीं पक जाती है. तो इस तरीके से हीट अपने आप में बहुत सारे चेंजेस शो करता है, स्टेट चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज करता है, है ना. हीट कॉजेस चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट. यानी टेम्परेचर चेंज होता है, हीट बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, हीट कम होना मतलब टेम्परेचर कम होना. चेंज ऑफ स्टेट यानी सॉलिड चीज को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकता है, स्टेट को बदल सकता है. स्टेट मतलब क्या होता है कि कोई चीज, जैसे ये पेन सॉलिड है, कोई लिक्विड अपन वाटर है, तो वो स्टेट होती है कि कोई चीज किस स्टेट में. यानी पानी को जब फ्रीजर में रखते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, बर्फ बन जाता है. उसी पानी को, उसी बर्फ को गर्म करो, लिक्विड बन जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो गई. उसी लिक्विड को और गैस स्टोव पे और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड वाटर वेपर बनने लग जाता है, उसकी स्टेट गैसियस हो गई, है ना. तो इस तरीके से स्टेट चेंज होती है हीट की वजह से. एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन मतलब फैलती है कोई चीज़, है ना. और केमिकल चेंज भी होता है, जैसे कि कोई चीज़ केमिकल चेंज कैसे, जैसे सब्जी पकी है तो कुछ अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें. इस तरह हीट के बहुत सारे इफेक्ट आप लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी हीट कॉजेज एक्सपेंशन. हम इसके एक मेन चेंजेस के बारे में देखेंगे कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन, हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक्सपेंशन मतलब जैसे कि कोई चीज़ क्या वाकई में घटती बढ़ती है हीट की वजह से. तो इसको देख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको हीटिंग करते हैं तो वो एक्सपांड होती है, है ना. हीटिंग करते हैं तो वो फैलती है, और कूलिंग करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. जैसे आप लोगों ने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ी सी गैप क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जब गर्मी के दिनों में रेलवे ट्रैक की जो पटरी रहती है वो फैलती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाए, इसलिए उसको थोड़ी गैप छोड़ते हैं, क्योंकि वो एक्सपांड होती है, वो मेटल है. इसी तरह लिक्विड जो है वो भी फैलता है, है ना, गैस फैलती. लेकिन सभी का स्टेट के हिसाब से रेट अलग अलग होता है. ऐसा नहीं कि जितना सॉलिड एक्सपांड हो रहा उतनी लिक्विड होगा, नहीं, सभी चीज़ अलग अलग एक्सपांड होती है, ठीक है. दूसरी चीज़, आप लोगों ने बलून देखे होंगे जिनमें बहुत सारी हवा डाली जाती है और उनको नीचे से गर्म किया जाता है, और उन बलून में नीचे लोग बैठे रहते हैं बहुत सारे. क्यों? उस हवा को जब गर्म किया जाता तो एक्सपांड होती है, बलून भी एक्सपांड होता है. और जब गर्म एयर का क्या काम होता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, हल्की होके ऊपर उठती है, फैलेगी, हल्की होगी तो वो ऊपर उठेगी. तो बलून के अंदर की एयर को गर्म किया जाता है. इस तरीके से इफेक्ट ऑफ हीट के बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं.
सो हमको ये याद रखना है कि ऑन हीटिंग एक्सपांड, जब भी कोई चीज को चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस हो उसको हीट देंगे तो वो एक्सपांड होगी, और कूलिंग करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी हीटिंग देने पर वो बढ़ती है और कूलिंग करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने वैसे तो छोटी क्लासेस में देखा है, लोअर क्लासेस में, कि सॉलिड, यानी सॉलिड को मैं मान लेता हूँ कि ये कोई सॉलिड है, तो इसके अंदर हर चीज के अंदर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, हर चीज एटम से बनी हुई है, एंड टू और मोर एटम्स मेक मॉलिक्यूल, और दो या दो से अधिक एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स जैसे सॉलिड में कैसे रहते हैं, बहुत ही पास पास में इस तरीके से, ये हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो गए। लिक्विड देखे आपने, लिक्विड, अब हर चीज जब एटम से बनी है मॉलिक्यूल से बनी है, तो मान लेते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स को मान लेते हैं कि वो इस तरीके से दूर दूर है। अब आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड यानी कोई भी सॉलिड वस्तु है, चाहे बुक है, टेबल है, तो क्या अपन उसको इजीली प्रेस कर पाते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही पास पास में रहते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं रहती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं रहती, मतलब उनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम रहता है। जबकि लिक्विड में जो है, आप किसी भी लिक्विड, दूध हो, है ना, मिल्क हो, वाटर हो, तो उसमें हाथ डालते तो हाथ जा सकता है इजीली अंदर, क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस रहती है ताकि वो मॉलिक्यूल्स मूव कर सके, है ना। लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, इस पेन को अगर अपन दबाएंगे, ये सॉलिड है, तो इसको प्रेस करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं है, तो ये इसके मॉलिक्यूल इधर उधर जा नहीं सकते हैं, तो इसको अपन प्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिक्विड है, पानी में हाथ डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर दूर है। उसी तरह गैस, गैस के मॉलिक्यूल और ज्यादा दूर रहते हैं, उसको तो रिलीज करते हैं, और एक मान लो किसी कंटेनर में गैस है या घर पे सिलेंडर में गैस है, उसको जैसे बाहर करेंगे तो पूरा फैलने लगती है पूरे कमरे में या आसपास के एनवायरमेंट में, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। अब स्पेस से क्या लेना देना, स्पेस से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है सॉलिड में, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ रखा है उन्होंने, तो मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो हम इसको क्या है कि इजीली प्रेस कर सकते हैं, इसका शेप बदल सकते हैं, है ना, क्योंकि लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स भी कम है, मतलब अगर स्पेस ज्यादा है तो फोर्स कम है, या स्पेस कम है तो फोर्स ज्यादा है, तो इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम है इसलिए इजीली मूवमेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल। उसी तरह गैस में देखें तो यहां तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, स्पेस ज्यादा है, दूर दूर है, तो फोर्स बहुत कम है, इसलिए उसको जब कंटेनर से बाहर निकालते हैं तो पूरे कमरे में फैलने लगता है। तो ये तो बात हो गई कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरीके से बने हुए रहते हैं। अब इसमें हीट का प्रभाव देखते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट देखते हैं। सो वी नो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, सॉलिड की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो उनके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है, तो फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, इस कारण सॉलिड एक्सपांड ऑन हीटिंग। तो सॉलिड को जब एक्सपांड करते हैं, सॉलिड को जब हीट करते हैं तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स है हीट करने पर ये वाइब्रेट करने लगता है। अब इनके आसपास जगह तो है नहीं, लेकिन ये आपस में वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब सारे ही मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट करने लगते हैं तो थोड़ी सी इनके बीच में जगह बन जाती है, और थोड़ी सी जगह बनती है मतलब थोड़ा सा एक्सपांशन होता है, यानी इसको जब हीटिंग करेंगे, हीट देंगे, तो ये सारे मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और ये वाइब्रेट करेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी जगह बनाएंगे, यानी स्पेस बढ़ा लेंगे, वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, और इसीलिए सॉलिड एक्सपांड ऑन हीटिंग, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि सॉलिड थोड़ा सा एक्सपांड होता है ना। अब इतना नहीं कि आप किसी कील को गर्म करो तो वो डबल लेंथ की हो जाएगी, थोड़ा सा एक्सपांशन होता है, बहुत ही मिनिमम एक्सपांशन होता है, जो अपनों को कभी कभी दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता है ना, यानी फैलती है चीजें, सॉलिड चीजें गर्म होने पर इतनी ज्यादा नहीं फैलती है, ठीक है। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा सॉलिड की बजाय थोड़ा ज्यादा दूर रहते हैं, मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, बहुत लेस क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पर क्लोजली पैक्ड है तो यहाँ थोड़े कम पैक्ड है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम है, इनको हीट करेंगे तो इनको वाइब्रेशन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, और वाइब्रेशन इतना होता है इनमें कि ये अपनी जगह से एक दूसरी जगह भी जा सकते हैं,
यहाँ पर सॉलिड में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लिक्विड में जा सकते हैं। तो अब ये जाएंगे तो आपने देखा होगा जब पानी को वाटर को जब गैस स्टोव पे गर्म करते हैं तो उबलता है। उबलता है इसका मतलब क्या है, उसमें कोई जान तो है नहीं, जीव तो है नहीं। होता क्या है कि उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करने लगते हैं, यहाँ पर सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मूवमेंट करने लगते हैं और पानी जोर जोर से उबलने लगता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से जो है मूवमेंट करने लगते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल कम पैक्ड है तो उनके इंटर मॉलिक्यूल स्पेस इज मोर, तो उनके बीच में जगह भी ज्यादा है इसलिए उसके मॉलिक्यूल जो है मूव कर सकते हैं। तो जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो ज्यादा एक्सपांड होती है, पानी को या मिल्क को गर्म करेंगे तो वो ज्यादा। सो लिक्विड एक्सपांड मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग, तो सॉलिड से ज्यादा एक्सपांड कौन होगा, लिक्विड। अब बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के तो पता है मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इन्हें आपस में नहीं पकड़ता, तो गैस फैलती है वैसे ही फैलती है। तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, इसके मॉलिक्यूल बहुत ही लूज पैक्ड होते हैं, सो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। तो जब इसको गर्म करते हैं गैस को तो ये और ज्यादा फैलती है, यानी सॉलिड और लिक्विड से भी कई गुना ज्यादा गैस फैल सकती है। सो एक्सपांशन इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की बजाय गैस में एक्सपांशन बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन हीटिंग एवरीथिंग एक्सपांड, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, हीटिंग करने पर वो एक्सपांड होगा ही होगा। अब इस हीटिंग के जो है हम आगे भी और सारी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आज के लिए इतना ही, आप बुक को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें, यूनिट टेस्ट के बाद में आपको फिर नेक्स्ट टर्म की तैयारी करनी पड़ेगी, आप कॉपी अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, मेंटेन करते रहें और लाइन बाय लाइन आपको जो टॉपिक बताए जा रहे हैं आप उनको देखते रहें, ओके बाय।